एक बात बताएं, धीरे से बात है, आप बुढ़े लोगों से मत कहना, नौजवानों के लिए बात बता रहे हैं। बुढ़े को अगर कोई बुढ़ा, अगर अपने आप को खुद बुढ़ा कह ले तो ठीक है, अगर किसी नौजवान ने उसको बुढ़ा कह दिया तो फिर उसकी खैर नहीं है। हाँ, नहीं तो बुढ़ा कहेगा, अरे हम वो 4 आना रुपए किलो घी खाने वाले लोग, तुम आजकल क्या बात करते हो, ये नकली 1000 खा रहे। हाँ, इसलिए ये बुढ़ऊ जामवंत जी ने समुद्र के किनारे क्या कहा मालूम है? जरट भयु अब कहे रिछेसा, और नहीं तन रहा प्रथम बल्लेसा। और ये बात रावण ने भरी सभा में अंगद से कह दी कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। क्या कहा? बुढ़ा नहीं है, बहुत ही बुढ़ा है। अब महाराज ये बात मेघनाद ने भी सुनी थी वहां पर, और जब लंका के संग्राम में आमने सामने जब हुए, और उसने नाग पास धर बांधिस माया नाग बरूत, और उसके बाद बांध करके जब चला, तो उसके बाद में जामवंत ने ललकारा है, कहां चला जा रहा है? अरे ये बुढ़े को देखो, अरे बूढ़ी जान सट छाड़ी तो, बूढ़े जान सट जामत जिनका मैं जस बूढ़े दिखावा तो ही लला आ जाओ सामने, हम कैसे बुढ़े अभी बताते तुमको। और उसके बाद में कहा हो जाए निशानेबाजी, कहा हो जाए निशानेबाजी। तो महाराज रावण के दल के नौजवान मेघनाद ने एक त्रिशूल घुमा करके जामवंत की ओर फेंका, और जामवंत इतने लपक करके नीचे झुके और बहते हुए उस भाले को उन्होंने पकड़ लिया। कहा बेटा, रावण के नौजवान बेटे मेघनाथ, तेरे हाथों का निशाना चूक गया है, अब रामा दल के बुढ़े का हाथ का निशाना देख, समझ जा। अमारिस मेघनादी की छाती पर प्रसाद सो मर ही न मारा, पर प्रसाद सो मर ही न मारा, तब पद गए लंका, तब पद गए लंका। बुढ़ा ने बर प्रसाद सो मरे न मारा, बड़ी कोशिश की। अच्छा, आपने कभी देखा नहीं, देखा होगा तो कभी उसको देखना, टीवी में कई चैनल आते ना, एक चैनल हमको बड़ा अच्छा लगता है, डिस्कवरी या ऐसे कुछ नाम है, एनिमल भी होता है। हाँ, बड़ी अच्छी कहानी बना करके उसमें दिखाई जाती। तो मैंने देखा कि एक भालू के यहाँ पर सर्प चढ़ाया उसके पेड़ पर, तो भालू पकड़ता कैसे है सर्प को, ऐसे हाथ किया उसने अपना एक हाथ, तो उसने फन उधर किया, और उसके बाद में ऐसा अन किया तो इधर फन किया, तब तक दूसरे वाले हाथ से उसकी घिट्टी को उसने पकड़ लिया फन को। और जब मारता है भालू तो क्या करता है मालूम है? जो पेड़ की जो डाल होती है ना खुरदुरी, उसी के ऊपर थुतने केवल कद्दूकस की तरह कसना शुरू करता है, जैसे मूली को नहीं कसती है, रगड़ता है उसी पर डाल पर, ऐसे ऐसे रगड़ता है, और फिर देखता है कि मरा कि नहीं, फिर कान के पास लगा करके सूंघता है इसकी सांस अभी आई कि नहीं आई, चल रही कि नहीं चल रही। ऐसे ही जामवंत जी महाराज, लाल रेत पड़ी, बताओ धूप की गर्मियों के महीने की, समुद्र के किनारे की लाल रेत, वहां युद्ध चल रहा था, और पकड़ में आ गया मेघनाद और उसकी घटी दबा करके, और उस रेत में ऐसे ऐसे रगड़ रहे थे, और रगड़ने के बाद में उसकी छाती पर कान रख करके देखे कि ये मरा है कि अभी जिंदा है, और उसके बाद फिर रगड़ना शुरू करें, लेकिन बर प्रसाद सो मरा ही न मारा, और तब पद गए लंका पर डारा, और मेघनाथ को खींच करके ऐसा फेंका कि रावण की कोट में गिरा। बोले बेटा, ये तेरे बेटे ने तो देख लिया है कि मैं कैसा बुढ़ा हूं, तू भी देख ले कि मैं कैसा बुढ़ा हूं, इसलिए बुढ़े को आप बुढ़ा मत कहना, नहीं तो आपकी खैर नहीं है। फिर एक श्रीमान जी विदेश से पढ़ लिख करके आए, सोचा हम तो फॉरेन रिटर्न है, अब हमारे सामने कौन टिकता, सो उनको
एक शहर से अपने गांव तक पैसेंजर गाड़ी में बैठना पड़ा। पैसेंजर गाड़ी में वो बैठ गए और उसके बाद में उन्होंने देखा उस लड़के ने कि टाइम नहीं कट रहा है गांव तक आने का, तो क्या करें। तो उसके नीचे में एक बुड्ढा बैठा हुआ था पगड़ी बांधे हुए किसान, सोचा इससे कुछ बातचीत करके टाइम काट लो। तो नीचे कहा कि बाबूजी कुछ पढ़ लेना बेटा, हम पढ़े लिखे का। बोले ऐसा करते टाइम कट जाए, कुछ प्रश्न हम आपसे करते हैं, तो अगर आप प्रश्नों का उत्तर ना दे पाए तो 100 रुपए आप मुझे दे देना, आप कुछ प्रश्न कर लेना और आप जो उत्तर ना दे पाए, मैं उत्तर ना दे पाऊं तो 100 रुपए आपको दे दूंगा। ठीक है बेटा, एक थोड़ा सा अंतर कर लो, क्योंकि मैं बिना पढ़ा लिखा किसान हूं, इसलिए बेटा तुम फॉरेन रिटर्न होकर के आ रहे हो, इसलिए एक अंतर कर लो कि अगर मैं प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊं तो 50 रुपए दूंगा और तुम पढ़े लिखे हो, बाबूजी हो और अप टू डेट हो, इसलिए एक काम करो कि तुम 100 रुपए देना। कहा चलो ठीक है। कहा फिर बेटा क्या है ना कि अब टाइम कम है, हम तो बिना पढ़े लिखे गवार हैं, पहले हम ही प्रश्न कर लेते हैं उसके बाद में तुम प्रश्न कर लो। कहा कर लो बब्बा, तुम ही प्रश्न कर लो। सो बब्बा ने प्रश्न किया कि बेटा एक ऐसी चिड़िया का नाम बताओ जिसके 4 पांव होते हैं और आकाश में उड़ती है। अब महाराज वो कनपटे खुजलाने लगा, 1 घंटा तक सोचा। कहा बाबूजी इसका उत्तर तो मेरे पास नहीं। 50-50 के 2 नोट उनको दे दिए। अब कहा कि बेटा स्टेशन पास में आ रहा है, मुझे उतरना है, जो भी प्रश्न करना है तू कर ले, क्योंकि फिर मेरे पास में टाइम नहीं। बूढ़े बाबा ने कहा, पगड़ी बांधी और जूते पहने, कहा बेटा जल्दी से प्रश्न पूछ लो। कहा कि बाबूजी और तो सब ठीक है, मैंने बहुत बायोलॉजी पढ़ी और तमाम जीव विज्ञान पढ़ा, लेकिन ऐसी चिड़िया के बारे में हम नहीं जानते जिसके 4 पांव और आकाश में उड़ती है, तो वही आप उत्तर दे दो उसका। तो उन्होंने जो 50-50 के 2 नोट लिए थे, 1 वापस कर दिया। कहा बेटा इसका उत्तर मुझे भी मालूम नहीं, तू इसको रख में जा। इसलिए जरा बुड्ढों से सावधान रहना। अब आप जरा देखो श्रीमद् भागवत में एक बुड्ढे ने भगवान कृष्ण के साथ में युद्ध किया। ये त्रेता के जामवंत जी थे। भगवान राम जी से उन्होंने कहा था कि रावण से लड़ते हुए मेरा मन अघाया नहीं, इसलिए मैं आपसे 2 हाथ करना चाहता हूँ। राम जी ने कहा कहीं 1 लग गई तो अभी चले जाओगे और लोग कहेंगे देखो उसे मंत्री बनाया और उसे ही ले भी थे अपने यहाँ ला करके, इसलिए इस आकांक्षा को हम द्वापर में पूर्ण करेंगे। अब महाराज यहाँ पर जामवंत जी के साथ में गोविंद का 27 दिन तक भयानक युद्ध चला और 28वें दिन ऐसा घुमा करके घूसा मारा कि 28 नक्षत्र उनकी आंखों के सामने तैरने लगे और हड्डी हड्डी उनकी हिल गई। और महाराज उसके बाद में कहते हैं ना कि रात दिन में तारे दिखाई पड़ना, सो उनको दिन में तारे तो दिखाई नहीं पड़े लेकिन कृष्ण में राम नजर आने लगे। और ये देखिए श्रीमद्